अगर गुरु तेरी तरफ आके खड़ा हो जाए तो सवाल यहाँ पर यह है कि गुरु हमारी तरफ आए कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ दिव्य गुण हैं, कुछ गुणों को धारण करना होगा अगर गुरु को अपनी तरफ करना है तो, तभी गुरु हमारी तरफ आके खड़ा होगा। ये गुण धारण करने ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो ये गुण तीन है। बड़ी भी है पर जो अमृत वाले उठते हैं उनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि मांग लो गुरु से उसको देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास को देखना पड़ेगा कि गुरु ने किसका किसका पक्ष लिया भगवान ने और क्यों लिया। सारा इतिहास विचार करके तीन पॉइंट मेन निकले हैं, तीन पॉइंट जहाँ तक मेरी बुद्धि ने काम किया। कोई ज़्यादा खोज करेगा चार पांच पॉइंट भी निकाल सकते हैं। जो दास ने खोज की, जितनी मेरी सद्बुद्धि गुरु नानक ने दी है, जो मैंने विचार किए, उसमें से तीन पॉइंट मुझे समझ में आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी घटनाएं हो, पॉइंट वही तीन बार बार आ रहे हैं। कृष्ण जी से बलराम ने कहा, उनके भाई ने, तुम पांडवों का पक्ष ले रहे हो, गलत कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कौरवों के विरोध में खड़े हो। कृष्ण जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं पांडवों के नहीं, मैं धर्म के पक्ष में हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, नहीं, तुम्हें पांडवों का मोह है, पांडवों कहीं मर ना जाए युद्ध में, इसलिए उन्हें बचा रहे हो। कृष्ण जी कहने लगे, मुझे किसी का मोह नहीं, अगर पांडवों को मैं आज बचा भी लूँगा तो कल वो क्या नहीं मरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरना या जीना जरूरी नहीं है, जीतना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके पक्ष में धर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में हूँ। अगर कौरवों के पक्ष में धर्म होता, मैं कौरवों के पक्ष में होता। मैं धर्म के पक्ष में हूँ, किसी इंसान के पक्ष में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या साबित होता है इससे? जिसके पक्ष में धर्म है भगवान उसकी तरफ खड़े होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है धर्म की कीर्त। गुरु नानक पातशाह के जो मूल सिद्धांत है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जपना नहीं रखा है, सबसे पहले क्या कहा है, धर्म की कीर्ति करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर नाम जपो, फिर बांट के खाओ, बंट छको। तीन मूल सिद्धांत गुरु नानक पातशाह के, पर पहला इंपॉर्टेंट सब गुरबाणी में सबसे ज्यादा उस्तत किसकी है, नाम की। सिमृत वेद पुराण पुराण पोथियाँ, नाम बिना सब कूड गाली होशिया, सिर्फ नाम की उस्तत है। पर गुरु नानक पातशाह के मूल सिद्धांतों में नाम से भी ऊपर उन्होंने कीर्त को रखा है, सच्ची सुची कीर्त। भाव धर्म की कमाई, नेक कमाई, किसी को लूट कर, किसी को कम तोल कर, किसी को हेरा फेरी करके, कम नाप करके, किसी प्रकार से झूठ की कमाई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मिलावट की कमाई नहीं, सच की कमाई, मेहनत की कमाई। एक तरफ मलक भागों के 36 पदार्थ हैं, एक तरफ भाई लालू का साथ दे रहे हैं गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या फर्क है यहाँ पर? कोदरे की सूखी रोटी खा रहे हैं, 36 प्रकार के भोजन नहीं खा रहे गुरु नानक पातशाह। उसने सिपाही भेज दिए कि लेके आओ गुरु नानक पातशाह को। कहने लगे, मैं कैसे खाऊं तेरी रोटी? गरीबों का खून चूस कर तूने इकट्ठा किया है, ब्याज पे पैसे चलाए हैं, कर लगाए हैं, टैक्स लगा लगा के गरीबों को लूटा है, चाहे इसके 36 पदार्थ बनाए हैं, इसमें तो खून भरा पड़ा है गरीबों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे, उनकी कोदरे की रोटी में क्या है, सूखी रोटी खा रहे हो भाई लालू की, उसमें क्या है? तब गुरु नानक पातशाह ने वो रोटी मंगवाई, एक हाथ में पकड़े पूड़ियाँ उसके पदार्थ, एक हाथ में पकड़ी सूखी कोदरे की रोटी भाई लालू की, और जब निचोड़े तो क्या हुआ सबको पता है, एक तरफ से खून रिस रहा है, एक तरफ से दूध निकल रहा है। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, इसकी धर्म की कीर्त है, ये हाथों से कमाई करता है, मेहनत करके एक बनाता है, चाहे सूखी रोटी है, मैं इसके साथ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक किसके साथ है? जहाँ पर धर्म की कमाई है, जहाँ पर नेक कमाई है। गुरु पक्ष ऐसे नहीं ले लेगा, आप जाके खड़े हो जाओगे मेरी काम कर दे। अगर हम अधर्म की कमाई करते हैं, लोगों को लूट कर खाते हैं, अरदास गुरु सुनेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहें कि कहो विनंती अपने सदगुरु पाए। भाई साहब ने तो कहा था शब्द पढ़ के खड़े हो जाना, भाई ये बात भी है, ये गुण होने जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीन गुण है, धर्म, धर्म की कमाई, और उसके बाद सबसे ऊपर कौन सी